भाई हैं राहु और केतु। क्योंकि हिंदुस्तान की गद्दी पर एक बहुत ही डेंजरस आदमी बैठा हुआ है, सुनता ही नहीं किसी की। दैट इज द अप्रिशिएबल पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ही डज नॉट लिसन टू एनीवन एंड ही सो मच लेथल। डोकलम वाले केस में क्या हुआ था, स्ट्रेट ऑफ मलाका पे पूरी इंडियन नेवी लगा दी उस आदमी ने, और चाइना के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एक ही बात बोला था कि शंघाई तो नहीं बचेगा, बाकी तो मैं नहीं जानता। एंड ही स्विच कट ऑफ द फोन इमीडिएटली, और चीन ने अपनी सेना को तुरंत डोकलम से पीछे कर लिया, क्योंकि पागल से कौन लड़ेगा जो तैयार है कि हम तो मरेंगे। इमरान खान शांति में रहते हैं एकदम। नाउ पाकिस्तान इज टीचिंग इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, लीगैलिटी। अब उन्हें 60 साल में पता चला कि बदतमीज मतलब क्या, बदतमीज मतलब होता क्या है। अभी तक हमारे प्राइम मिनिस्टर याद है, सज्जन थे, पढ़े लिखे थे, मनमोहन सिंह डिसेंट, रॉयल, रॉयल बिहेवियर। नो नो प्लीज वी कैनॉट डू दिस अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। अब वो दूसरा आदमी, वो दो भाई हैं राहु और केतु, वो अपना दोनों शाम को बैठते हैं कि हाँ अमित भाई, वो ये एट रैंडम प्लान करते हैं कि यार नोट बंद कर देते हैं, हाँ कर दे। वो सोचते नहीं प्रोज एंड कॉन्स, मतलब ही नहीं, बस वो रात में 8 बजे अंकल आ जाएगा कि बस नोटबंदी कल से लागू 12 बजे से। परेशान है पूरी पब्लिक देश की, लाइन में खड़ी है, मर रही, गाना गा रही, चिल्ला रही है, नेक्स्ट टाइम ही विल नॉट कम इनटू पावर। ठीक है, फिर 3-4 महीना बीता, देखा यार देश में बड़ी शांति, यार कुछ हो नहीं रहा। बोले इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, फिनिश, कानून बारू करो। हाँ, लोकसभा में बिल आई, 2 बजे राज्यसभा पहुंची, उसी दिन पास हो गई, पूरा पार्लियामेंट परेशान, बिल पास हो गई, हाँ बोले पास हो गई। अकबर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हाउ कैन दिस हैपन, वो जयशंकर प्रसाद ने कहा दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड, यू सिट डाउन। एक दिन में बिल पास करा दिया, पता नहीं क्या सुप्रीम कोर्ट को समझा दिया, उसने कहा नो राम टेम्पल विल बी कंस्ट्रक्टेड इन अयोध्या, जजमेंट इज पास्ट। ऐसे तो ये जजमेंट लेते हैं, किसी दिन देखना रात में जजमेंट ले लेंगे, 4 मिसाइल मार देंगे कराची पे, ऐसे देखना रात में सुबह उठोगे ना देखोगे इंडिया पाक वॉर शुरू हो चुका है। ये चले, ये नहीं मानेंगे, ये मानेंगे नहीं, इनसे कोई मतलब ही नहीं। और ये बहुत सही कर रहा है, इन्हीं को समझेगी हिंदुस्तान की पब्लिक। इस देश को शरीफ लोग कभी चला ही नहीं पाए,